हेलो गाइस, आज की जो वैकेंसी निकल के आ रही है IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से बम्पर पोस्ट पर हायरिंग होने वाली है, जिसमें बीटेक बीई ग्रेजुएशन सभी लगभग एलिजिबल है। तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा लगभग 80,000 प्लस मिलने वाला है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, बिल्कुल ही लेटेस्ट है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, इसमें वेरियस पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी निकली है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जूनियर एसोसिएट IT असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर सीनियर मैनेजर नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 15, 10, 9, 5। उसमें एज देख सकते हैं नॉट मोर देन 55 ईयर्स, मतलब आपको इसमें एज भी अच्छा खासा दिया गया है। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 और 11 साल। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं बम्पर पोस्ट पर हायरिंग होने वाली है। और भी इसमें वैकेंसी है, आगे देख सकते हैं जूनियर एसोसिएट, इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसका एडवर्टाइजमेंट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट विद बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेलीकॉम MSc, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या BCA MCA होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस 3 साल का रखा गया है। आप देख सकते हैं अगला नंबर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट बैचलर ऑफ देख सकते हैं BCA MCA, इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपको 3 साल रखा गया है। जूनियर एसोसिएट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 रखा गया है। इसी प्रकार से अदर पोस्ट पर वैकेंसी है, इसमें देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस या MCA टोटल एक्सपीरियंस आपको 3 साल चाहिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखा गया है। फर्दर बहुत सारे पोस्ट पर यहाँ पर हायरिंग होने वाली है, इसमें सैलरी आपको अच्छा खासा दिया जाएगा, एज भी इसमें अच्छा खासा है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यदि आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस BCA MSc या MCA का डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्दर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पे अलाउंस भी काफ़ी अच्छा खासा पे किया जाएगा। देख सकते हैं डिप्यूटेशन पीरियड मतलब ओनली ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, यदि 2 साल के लिए आपको जॉब दिया जाएगा। फर्दर एक्सटेंडेड मतलब आगे यदि प्रोजेक्ट का मैनुअली काम होता है तो आप एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। इसका देख सकते हैं वेबसाइट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है career-ipponline.in। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात के करें तो इंटरव्यू बेसिस पर होगा या आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है या ग्रुप डिस्कशन, जो भी है फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि अप्लीकेबल ओनली ऑफ द ऑफिसर वर्किंग विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब जो पहले से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रहे हैं वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो टेक्निकल फील्ड का कोई सा भी वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता हूं। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस न करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाएं।